शिवशक्त्यायुक्तो यति भवति शक्तप्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलहस्तं तितुमपि अतस्त्वाम् आराध्याम् हरिहर विरिञ्जादिभिरवीं प्रणन्तुं तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति जय भोले शंकर सबका भला करना जय शिव शंकर तूने चोरी की है चोरी करता है नाम क्या है इसका नाम विवेक है ए स्टाइल मेरे पन बांधा है हाँ स्टाइल गांव में जितनी चोरियां हुई हैं वो सब तूने ही की है ना सर उससे मेरा कोई संबंध नहीं है सर थोड़ा ब्रेक लेके पिटाई करो ना ब्रेक लेके पिटाई करूं ब्रेक लेके सर आधे घंटे के सीरियल में 3 बार ब्रेक होता है आप तो सुबह से लगे पड़े हो सर जी बोलो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक दे दो ना इसे छोड़ दीजिए सर मुझे लगता है इसने गलती नहीं की है सर जी आप सही कह रहे हैं सुबह से मैं भी यही कह रहा हूँ कोई मानता ही नहीं मेरी बात को फिर तू पार्क में सो क्यों रहा था आपकी तरह मेरे पास घर नहीं है ना दुबई जाने के लिए मेहनत करके एक एक पैसा जमा कर रहा हूँ और अगर होटल में रुका तो मेरा पैसा खर्च हो जाएगा इसलिए कष्ट सहते हुए पार्क में सो रहा था चोरी और कोई करता है आप मुझे पकड़ कर ले आइए कहाँ का इंसाफ है हा? छोड़िए ना सर चिकन बिरयानी चाहिए चिकन बिरयानी चाहिए हाँ सर चिकन बिरयानी चाहिए सर हम भी चिकन बिरयानी खाएंगे चिकन बिरयानी चाहिए सर मैं भी खाऊंगा चिकन बिरयानी चाहिए सर मैं भी खाऊंगा रुको सबको खिलाता हूँ अरे सर मेरे लिए भी चुप रहो सबको खिलाऊंगा मैं ए एफआईआर रखा था अरे पापी तूने फाड़ दिया एफआईआर फाड़ दूंगा साफ कर रहा हूँ सर अगर आप लोग टांग तोड़ देंगे तो दुबई कैसे पहुंचूंगा पार्क में सोने वाला तू दुबई के सपने देख रहा है अब्दुल कलाम ने शादी किया क्या नहीं क्यों नहीं किया आपने पूछा क्या क्योंकि उनका एक सपना था उसी तरह मेरा भी सपना दुबई जाने का है समझे क्या चलता हूँ सर जी आप इनको समझाइए नहीं तो पार्क सोने वाले सभी यहाँ पर आ जाएंगे समझे सर जी आप शक्ल पर मत जाइए किसी इंसान को दिल से समझने की कोशिश कीजिए ए दिमाग की दही मत कर एक मिनट भी रुका तो अंदर कर दूंगा क्या सर जी मैं मंदिर का घंटा हूँ जो बार बार बजाते रहोगे सर जी एक छोटा सा डाउट है चल पूछ दुबई आपके इलाके में तो नहीं है ना तू जो यहाँ से हेलो पासपोर्ट एजेंट बोल रहे हो ना मैं विवेक पार्क के पास खड़ा हूँ आ गया तू क्या भाई आप क्यों पैसा यहाँ छुपा के रखते हो क्या करूँ बैंक में जाता हूँ तो 1000 सवाल पूछते हैं मुझे कल रात मुझे पुलिस ने पकड़ कर अंदर डाल दिया अगर उन्हें पैसों के बारे में पता होता तो उन सालों ने लूट लिया होता मुझे मेरा पासपोर्ट रेडी कर दिया ना और दुबई जाने का भी इंतजाम कर दिया ना इंतजाम ना दुबई में एक्सपोर्ट कंपनी में काम का पूरा इंतजाम कर दिया पैसा दे दो ना ये लो सर चिकन बिरयानी चाहिए कैसे दे रहे 30 रुपए सर दही चावल 6 रुपये हाँ ये लो भाई भाई क्या अभी क्या बात है आपके पास पैसे हैं ना तो बिरयानी ले लीजिए ना 6 रुपए में बिरयानी मिलेगी उसको घाटा लग जाएगा उसी तरह मुझे भी लग जाएगा मुझे बस पासपोर्ट दे आइडिया मत दे सॉरी भाई जय रघु बोले भैया वो इधर ही भागी है पकड़ लाओ उसे जी चलो खाते हैं
कहाँ भाग रही है? हमसे बच के जाएगी? मुझे जाने दो। हमसे बच के कहाँ जाएगी तू? जाने दो मुझे। नमस्ते भैया, रेप करेंगे? अरे ये काम मैं ही कर देता हूँ भैया। मेरा पूरा नाम विवेक सिंह है और गांव का नाम मेरे बलिया है। दारू का ठेका चलाता हूँ भैया। दिन रात मेहनत करके दारू बेच बेच करके एक एक पैसा जमा कर रहा हूँ। दुबई जाने का मेरा सपना जिससे पूरा हो सके, इसीलिए पार्क में सो रहा था। पुलिस ने मुझे चोर समझकर वहाँ से उठाकर अंदर कर दिया और मेरी जमकर पिटाई कर दी। दुबई जाने का पैसा कम न पड़ जाए इसलिए मैंने अपना पेट काट के 6 रुपए का दही चावल लिया, उसी को मैं खा रहा था और आपने मेरे दही चावल के साथ साथ मेरे पेट पर भी लात मार दी। अपने देश पर ब्रिटिश ने बहुत सालों तक राज किया और वो जब यहाँ से जा रहे थे तो एक बहुत अच्छी चीज छोड़कर चले गए, सॉरी, जिसको आपने नहीं बोला। सॉरी बोल, सॉरी बोल। तू मेरे भैया के बारे में नहीं जानता है क्या? अरे मैं अपने बारे में नहीं जानता तो तेरे भैया के बारे में जान के क्या करूंगा? मुझसे सॉरी बोलो और 6 रुपए दे दो, मैं चला जाऊंगा, नहीं तो तेरी मूछें उखाड़ दूंगा मैं। और ये मत बोलना मेरे पास छुट्टा नहीं है। भाई के बारे में पूरे बनारस में पूछोगे मालूम चल जाएगा। अभी आया। इस गांव का नाम क्या है? बलिया। बलिया से बनारस जाकर तेरे भाई के बारे में पूछकर आने में बहुत सारा पैसा लगेगा और ये सारा पैसा मुझे कौन देगा? ऊपर से टाइम भी वेस्ट होगा। सर चुपचाप खड़े हैं, तू ही क्यों उछल रहा है इतना ज्यादा? बाकी सब गुंडे भी तो खड़े हैं। देख भाई, तेरे सामने जो खड़ा है इसको विवेक कहते हैं, जो कभी किसी से डरता नहीं है। अपने दिमाग से सोच करके जल्दी से सॉरी बोल दे। सॉरी। अरे बाप रे, लग गई मुझे। अरे मैं अभी झगड़ा नहीं करना चाहता। भाग भाग, अरे भाग यहाँ से, चल भाग। क्यों रे, तुझे कोई बचाने आएगा? तू बच जाएगी क्या? तो फिर वापस आ गया है, चल चल निकल यहाँ से। ये लोग तेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं। उन्होंने एक पहाड़ी खरीदी थी जिसपे नरसिंह और बाबू कसाई की नजर है। मैं दिल्ली में पढ़ रही थी, मुझे अपने साथ पढ़ने वाले लड़के से प्यार हो गया। मैं उससे शादी करना चाहती थी मगर मेरे पिताजी राजी नहीं थे। उन्होंने मेरी शादी बाबू कसाई से करने का फैसला कर लिया, पर नरसिंह को ये रास नहीं आया और उसने मुझे किडनैप करके खुद मुझसे शादी करने की कोशिश की। फिर अचानक वो आपस में लड़ने लगे। आप मुझे दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठा दीजिए, मैं अपनी प्रेमी से ही शादी करूंगी। ओहो, प्रेम कहानी है। हाँ, इधर ही बगल में रेलवे स्टेशन है, चलो वहीं पर चलते हैं। चलो एक मिनट सुनो। क्या हुआ? छे, ये चप्पल तो गई, चलो चलते। अब क्या हुआ? एक मिनट, ₹40 का चप्पल था, ये भी टूट गया। भैया यही है वो। ओ, ये लीडर है, लव मैटर है, दिल्ली में अपने प्रेमी से मिलना चाहती है। भाग जाओ। अरे मुझे गोली लगी है। अरे मुझे कोई सरकारी अस्पताल में जल्दी भर्ती कराओ।
मुझे यहाँ कौन लेके आया? मैंने भाई। क्यों आप दूसरों के लिए लड़ रहे हो भाई? ये पकड़िए अपना पासपोर्ट और वीजा, परसों की फ्लाइट पक्की है। तूने ही मुझे बचाया ना। इसमें आपको कोई शक है क्या? मैंने तुझे कुछ और समझा, पर तू निकला कुछ और। तू सुपर है। ए, उठ रहे, यहाँ पर अजगर की तरह पड़ा हुआ है, चलो। ए, कौन है? कौन है तू? मैं कौन हूँ? तू नहीं जानता है? तू कौन है मैं नहीं जानता। मैं तो बस उस लड़की की मदद कर रहा था, पर तूने तो मुझे गोली ही मार दी। अच्छा, तेरे को फोन की भी जरूरत पड़ती? हेलो, विवेक स्पीकिंग। तू बोल रहा है? कहाँ है रे तू? कल तूने मुझे जहाँ गोली मारी थी उसी जगह पे हूँ, आ जा जल्दी। क्या रे, तू मुझे मारेगा? नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट? सही कहा, तेरे लिए 18 डिब्बों की गाड़ी भेजा है, देख। डर मत, वो पैसेंजर नहीं है, एक्सप्रेस गाड़ी है। आंख बंद करने से पहले तू कंफर्म मर जाएगा। ये गाड़ी हमेशा लेट आती है, पर तेरी किस्मत अच्छी है, आज राइट टाइम पे। लल्लू भैया जिंदाबाद। भैया, भैया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अजय शास्त्री, हाँ? तू मैटर ब्रोकर है, मुझे मालूम है। अरे मेरा मतलब है मैरिज ब्रोकर है। देख, इस घर में सावधानी से डील करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि ये लोग मेरे फैमिली फ्रेंड हैं। मुझसे पूछे बगैर कोई काम मत करना। इस घर की लड़की का दूल्हा ढूंढने से पहले इस घर के लोगों के बारे में जानना जरूरी है। इस घर के सबसे बड़े हैं शिव रामकृष्णन। मिलिट्री से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। ये दो काम के बगैर नहीं रह सकते, एक पेपर पढ़ना, दूसरे अपने कमरे में जाके तिजोरी खोल के देखना। तुझे समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन उस संदूक में ऐसा क्या रखा है सर? ये तेरे समझ के बाहर है। ये गोपाल कृष्णन है, रिटायर्ड जज, देखने में यही बड़े लगते हैं। बुढ़ा। ये रोमांटिक है, ये इसकी औरत है, नाम विजया लक्ष्मी। ये बच्चों से बहुत प्यार करती है, पर उससे ज्यादा संगीत से प्यार करती है। ये बिना टीवी देखे कोई भी काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट रामकृष्णन, गोपाल कृष्णन का बड़ा लड़का, ट्रैक्टर कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। ये बहुत ही भोला और ईमानदार है, अपना गिरा हुआ पैसा भी दूसरों का समझ के दे देता है। रामकृष्णन की औरत हाउसवाइफ, नाम मीरा। गोपाल कृष्णन का दूसरा लड़का राधा कृष्णन। हे भगवान, अभी लिस्ट बाकी है क्या? ये वेटनरी डॉक्टर है, जानवरों के साथ ज्यादा वक्त बिताने से उनकी आवाज इसे डिस्टर्ब करती है। ये इनकी पत्नी है, किसी से भी कैसे काम निकालना है ये इन्हें अच्छी तरह से आता है। ये इनकी लड़की है, छोटी है पर बड़ी शरारती है, सिर्फ इसको पूछ नहीं है। आखिर में गोपाल कृष्ण की छोटी रामकृष्ण होगा सर। सॉरी सर, अगर सीरियल वाइज होगा तो। इसका नाम है चंद्रिका, ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी क्या है। हुआ? बहुत जल्दी शादी होने वाली है, बस अपनी खूबसूरती पर ही ध्यान देती है, बाकी और कोई काम नहीं करती। अभी मुझे किसके लिए दूल्हा ढूंढना है सर? रामकृष्णन की इकलौती लड़की प्रीति एयर होस्टेस का काम करती है, दिखने में खूबसूरत है पर थोड़ी अकड़ू भी है। नहीं नहीं, आप ये कहानी है। हाँ ठीक है, किससे पूछकर ये सब कर रहे हो? मैं आपका फैमिली फ्रेंड हूँ। फैमिली फ्रेंड? तुम्हें फैमिली में शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को फैमिली फ्रेंड कह रहे हो? अभी पता चला आपकी इज्जत कितनी है। मैंने बुलाया इन्हें। अरे तुम जरा अपना मुंह बंद रखो ना, जरा चुप रहो ना। नहीं नहीं सर, मैंने आपको, आपको नहीं, मैंने अपनी पत्नी को बोला। क्या डैडी, घर में अभी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आपको लड़का देखने की जरूरत नहीं है क्या? क्यों क्यों बेटी, क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, उसे घर पे बुला लो, उससे बात करते हैं। अपने लवर को कब घर ला रही हूँ? मेरा कोई लवर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ते। मेरी लाइफ में लव के लिए कोई चांस ही नहीं है। Hey!
सर मैं दारू का ठेकेदार, मिलाइए हाथ। What? No water, only दारू, दारू। परी दिख रही है, परी। What? What नहीं, लिपस्टिक लगा के हॉट लग रही। Hey, what? अरे ये क्या पका रहा? What is this? Beautiful. देखो, ये मेरी फीलिंग समझ नहीं पा रहा है। किसी हिंदी समझने वाले के पास बैठाइए ना। आप मेरे साथ बैठेंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। प्लीज मेरे साथ बैठिए ना। पहले आप जाके अपनी सीट पर बैठिए। No cigarette, no. जलाऊंगा नहीं, feelings, feelings, बस, हाँ। Happy? बेल्ट बांध लीजिए सर। अपनी बेल्ट। बनारस की दुकान से लिया है, प्योर लेदर है। मैं सीट बेल्ट की बात कर रही हूँ। पहले आप सीट को पैंट तो पहनाओ, फिर मैं उसमें बेल्ट डालता हूँ। हाँ, हंसी नहीं आई? अति सुंदर हंसी है। तुम्हें कैसी लगी? What? What? हेलो, मैं मजाक कर रहा हूँ तो आपको गुस्सा आ रहा है? आप सुंदर हो। आप जाकर अपनी सीट पर बैठिए। ये भी बनारस की है। साले ढंग से काट नहीं सकता, मूंछ खराब कर दिया। कौन है आदमी? मैं कौन हूँ आप नहीं जानते? ए बुड्ढे, चल यहाँ से निकल। देखिए, मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है आपने ही मेरे गांव में हेरा फेरी की है। मेरी बेटी और मेरी दामाद की मृत्यु हो चुकी है और उनके बच्चों की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। मेरे पैसे वापस दे दो। नहीं दिए तो क्या कर लेगा? पैसा वापस नहीं दिया तो पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करूँगा। उसने तुझे पता दिया और तू यहाँ चला आया, इसे मार डालो। देखना बुड्ढे को ज्यादा तकलीफ ना हो। वो क्या रे भैया, विष्णु दुबई में है। कहा था ना इसे खत्म करने के लिए, क्या हुआ? उसे मारने के लिए हमारे आदमी दुबई में इंतजार कर रहे हैं।
दुबई से विष्णु आ रहा है, उसे खत्म कर दो क्या भैया? दुबई से फोन है, वो लाइन पर है। ठीक है भैया। शाबाश, तूने मेरी जान बचाई है। तुझे क्या चाहिए मुझे बता, मैं तुझे दूंगा। तुम्हें जिंदगी चाहिए? देखो, बच के रहा करो, जिंदगी में जो चाहो वो सब करो भाई। जो खेल खेलना है उसको बहुत अच्छी तरह से खेला करो, मगर किसी बेकार लाचार इंसान के साथ कभी मत खेलना। अगर तुमने खेल खेलना समझ लिया ना, तो उस दिन चला गया, देख ले तुझे मारने में दुबई तक आ गया हूँ। बहुत तकलीफ झेल के यहाँ आया हूँ। अगर किसी ने तुझे मेरी आंखों के सामने मारा तो मेरी आंखों से हमेशा के लिए नींद उड़ जाएगी। तुझे कोई और नहीं मार सकता, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुझे याद है ना गांव में क्या हुआ था? आप चलिए यहां से, चलिए। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। उन सब का कारण मैं नहीं हूँ, वो तीनों है, वो तीनों जिनका नाम दिलावर, रामनाथ और नारायण है, वो तीनों दिल्ली में है, उनका पता भी मैं दे दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पापा, आप बेकार की टेंशन मत लीजिए, मैं आकर सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? ओके, बाय। सुनिए, आप? मुझे विवेक कहते हैं, CBE। CBE? CBI में आई को चेंज कर दिया है। मैं यहाँ एक क्रिमिनल को पकड़ने आया हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना कि उसे पकड़ने के लिए मुझे चुना गया है, फुल ट्रेनिंग दिया है। क्यों साहब, चोरी करता है? तुम यकीन करो या ना करो, गवर्नमेंट को मुझ पर भरोसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है, मैं दिल्ली पहुंचकर तुमसे ले लूंगा। संभाल के ले जाना। इतना पैसा? आ,
तेरी शादी के लिए ऑफिस का पैसा शेयर बाजार में लगाया है। शेयर मार्केट अभी डाउन हो गई है। अगर मैंने एक हफ्ते में पैसा वापस नहीं किया तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। Excuse me, क्या आप इंडिया से हैं? नहीं, जापान से। हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? यहाँ आप कंफर्टेबल है ना? पार्सल खोल दिया है क्या? Excuse me, आपको पीछे कोई बुला रहा है, जाओ, जाके सुनो। विवेक, तेरा काम हो गया, तू आराम से सो जा। भैया, दुबई में विष्णु मारा गया। पता है। अपना आदमी भी मारा गया गन फायर एक्सीडेंट में। वो एक्सीडेंट नहीं था भैया, एक आदमी ने दो लोगों को मार गिराया। वो जरूर इस वक्त दिल्ली में ही होगा। दिलावर रामनाथ नारायण इनको मारने की जरूर कोशिश करेगा। वो जिंदा बचेगा तो मारेगा ना? इस तरह से सोचेंगे तो हमारा मेहमान लगता है। भैया, उसमें से किसी ने उसे मार दिया तो? वो लोग इसको मारेंगे। इंग्लिश शराब से ज्यादा नशा देशी दारू में है। क्यों लेट हुआ? घर में सब लोग परेशान हैं, पता है ना? तुम यहाँ कैसे? जल्दी बता, जल्दी। ठीक है, एड्रेस तो बिल्कुल बराबर है। सुनो पद्मा, हाँ, तुम बाहर जाओ तो ठीक है। जिससे तू प्यार करती है वो यही है क्या? घर में आके हंगामा कर रहा है, बोलता है तुझसे शादी करेगा। क्या प्रीति? लड़का मुझे बहुत पसंद है। पापा? हाँ। वैसे मैंने उसके सीए से उसकी बैलेंस शीट तो चेक की। वो उधर तुम्हारे बेडरूम में है। मैं बात कर रहा हूँ। लेडीज बेडरूम, ये सब छोटी बात है, एडजस्ट तो करना है। मुझे शर्म आ रही है। ये क्या है? मेरी माँ को क्या उल्टा सीधा बोला तुमने? नहीं मैडम, ऐसा बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो तेरा बाप है ना। जैसे ही मैं अंदर आया तो बोलने लगा, तुम ही हो जो मेरी लड़की से प्यार करते हो ना, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था। क्या? फ्री में ही मुझे लवर का पोस्ट मिल गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पहले तुम इस रूम से बाहर जाओ। चला जाऊंगा, मगर मेरा पार्सल। पार्सल चाहिए? ये लो। इसमें तो पैसे कम लग रहे हैं। वो अर्जेंट था। तुम्हारे बाप ने जो शेयर में पैसा डाला था वो सब डूब गया, ये उन्होंने ही बताया। वो सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन पहले यहाँ से जाओ। पहले मुझे पैसा दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ। तुम अचानक पैसे मांगोगे तो मैं कैसे दे पाऊंगी? अचानक तुम पैसा तो ले सकती हो, दे नहीं सकती क्या? देखो, मेरा भी रहने का स्टाइल अलग है। ये होटल में रह नहीं पाऊंगा, मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए जब तक मेरा पैसा वापस नहीं दोगी मैं यही रहूंगा। यही मेरा फैसला है, ठीक है ना? टायर्ड हूँ, बैठ के आया हूँ ना, सोच रहा हूँ आराम कर लूँ, तुम कब तक खड़ी रहोगी? आओ, तुम भी आके सो जाओ। आओ। नहीं नहीं। हाँ, यहाँ और कोई है क्या? सेफ्टी के लिए मैं बीच में तकिया रख देता हूँ, अगर गलती से मैंने हाथ पैर मार दिया तो गलत हो जाएगा। जल्दी लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है, दोनों दूर के सपने देखते हैं। हाँ। उधर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम ए, है। पूछा क्या? बाहर जाओ। आप क्यों डांट रहे हो? ए, चुपचाप रोना बंद कर, बाहर जाओ। मेरा घर है। ये घर कल तक तुम्हारा था, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मेरा है। पता नहीं सब कहाँ से मेरा भेजा खाने आ जाते हैं। चलो बाहर जाओ। नहीं सुना? मैंने बोला ना, जा। सब आ जाते हैं मेरा भेजा खाने के लिए। धनलक्ष्मी,
धनलक्ष्मी कहाँ हो? यहाँ पर धनलक्ष्मी कौन है? मेरा नाम धनलक्ष्मी है। तो फिर पहले बोलना चाहिए ना, मुझे धनलक्ष्मी नाम बहुत पसंद है। फिर क्यों डांटा? हाँ, वो तो बस ऐसे ही एक्टिंग थी। एक्टिंग? आप किसके फैन हैं? सलमान खान के? ये तो मेरे दोस्त है। धना, आपने सलमान की सारी फिल्में देखी? यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। ए, धना मुझे पसंद करती है और मैं धना को पसंद करता हूँ। इसके अलावा हम दोनों सलमान के बहुत बड़े फैन हैं। आप इससे बात मत करो, शाहरुख की फैन है, ये हमारी दुश्मन है। दुश्मन? अब चुप हो जाओ और यहाँ आओ। हेलो, तुम बोलो। दीदी, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त वोस्त कुछ नहीं, चलो यहाँ से। दीदी, मैं जो एक बार कमिटमेंट कर लेती हूँ तो किसी की नहीं सुनती। कैसा लगा? सुपर, कमाल कर दिया तुमने। सलमान भी सुनेगा तो खुश हो जाएगा। करेक्ट। ए जूली, तुम गलत कर रही हो, ध्यान से रिदम में करो। गुड। हेलो, क्या बच्चों को तंग कर रही हो? ये माइम है। मतलब? बिना बोले एक्टिंग करके दिखाना। कैसे? एक्टिंग करके दिखाओ। इतनी मेहनत से अच्छा तो बात ही कर लेते। मनुष्य भाषा सीखने से पहले माइम में बात किया करते थे। जब कभी बोलने को लफ्ज़ नहीं होते तो मन भी माइम में ही बात करता है। मेरा मन भी अभी माइम में ही बात कर रहा है। क्या कहा? अपने मन की माइम के लिए बच्चों को यूज करती हो? क्या रे, और कोई काम नहीं है क्या? पढ़ाई लिखाई छोड़ करके माइम का खेल खेल रहे हो? चलो। कोई बात नहीं, मैं ही जाता हूँ। भाई मैंने उसको देखा है। तूने अपनी आंखों से उसे देखा है? हाँ भाई। कहाँ देखा है बता? उसको ऑटो में जाते हुए देखा है। वो कहीं भी हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन सब का कारण मैं नहीं हूँ, वही तीन लोग हैं, दिलावर, रामनाथ और नारायण। एड्रेस मिल जाएगा तुमको। मेरा एड्रेस? छी, इस पैंट को धोने के लिए किसने कहा? मैंने वॉश में डाला था, गलत है। मैंने उसे मारा, ये गलत है, मुझे माफ कर दो धना। चल कोई बात नहीं, मैंने माफ किया। तुमने किया ना, कोई बात नहीं। ए, ये एड्रेस कहाँ तुम्हें पता है? छोड़ो। दिखाओ जरा, सुभाष नगर, वो एरिया मैं जानता हूँ। क्या आप जानते हैं? आधा एड्रेस नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम उधर ही जा रहे हैं। चलो हमारे साथ। एक मिनट। विवेक, अली, अरे तू यहाँ कैसे? अरे बहुत दिनों के बाद मिला है रे तू। अरे मैं तुझे कब से याद कर रहा था, बहुत दिन हो गए हम दोनों को साथ में दारू पिए हुए। चलो चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, 1 मिनट। तुम मेरे दामाद को जानते हो? दामाद? मेरे भाई को जानते हैं? उसका कैरेक्टर पता है आपको? मुझे क्या पता, मेरी लड़की उससे प्यार करती है, सिर्फ इतना ही जानता हूँ। क्या प्यार करती है भाभी? भाभी, ये बता तेरा भाई कौन से गांव से है? बिना गांव का नाम जाने प्यार कर रही हो? चलो ये आज का स्टाइल है, जाने दो। भाई बलिया के हैं। अपने भाई के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे? डिफरेंट है, सबसे अलग है। भाई को रोज दारू पीने की आदत है, दारू पीने के बाद किसी ना किसी को तो पीटना ही है, पर बिना कारण वो किसी को नहीं पीटता।
कौन हो सर? मुझे क्यों मार रहे हो? सर मुझे क्यों मार रहे हो? एक चीज हमेशा याद रखना, कभी किसी बेकार लाचार इंसान के साथ खेल मत खेलना। जिंदगी में जो भी करना है करो, पर उनकी हमेशा कद्र करना। ये तुझे हमेशा याद रहे इसीलिए मारा, समझा? समझ में आ गया ना? मैंने किसी की नजर सुबह 9:30 याद आया, रुक रुक कर गिर गया। ए पागल, जानता मैं कौन हूँ? आप कौन हैं सर? मेरा नाम कादिर, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट स्टाफ। सॉरी बोल मुझसे। माफ कर दीजिए सर। सर माफी मांगी इडियट। चल माफ किया तुझे, गलतियां तो इंसान से होती है बेटा, फिर भी तुझे माफ किया। चल जा आयश कर, माफ जा जा, गुड नाइट। क्या रे गुड नाइट? रुक, साइकिल उठा, स्टैंड लगा। दोबारा क्यों मार रहे हो सर? अब इसमें बैठ सर। बैठ ना। क्यों सर? अरे बैठ ना। ये बता, ज्यादा चिट्ठी किस गांव की आती है? बलिया की सर, आप एक ही गांव की। मैं बलिया गांव का हूँ ये तू मुझे ही बता रहा है? मेरा नाम विवेक है। चलो बलिया की तरफ चलो। सर क्या हुआ? आपने कुछ ज्यादा दारू पी रखी है। मैं आपको कैसे लेके चलूंगा? मुझे क्या पता कि बलिया बाप का घर कहाँ है सर? मैं हूँ ना। चलो डबल सी वो भी स्टैंड डाल के। सर बलिया का बोर्ड दिख रहा है 2 किलोमीटर। अजी तरह देख, 12 किलोमीटर दूर होगा। चलो चल। अरे रे रे रे, बहुत गर्मी है, ट्रैफिक भी है। आप आराम से बैठिए, मैं ध्यान से चला रहा हूँ। क्यों रे, वापस तूने गाड़ी क्यों रोक ली? वो क्या है ना सर, रोड का ढलान है ना, इसलिए। क्या डाउन है क्या आप है, ये सब मैं तुझे बताऊंगा। सुबह तक चला चल, बलिया आ जाएगा। सुबह तक? यही मेरे भाई का कैरेक्टर है। कहीं आपके घर में उसने किसी को तंग तो नहीं किया ना? क्या रे? हाँ भाई सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ठाक है। सरोजा कैसी? हाँ वो भी ठीक है। बच्चे? बच्चे अभी तक नहीं हुए। तेरे पास सेलफोन है? हाँ दो है भाई। आजकल भिखारियों के पास भी सेलफोन है, तू मिस कॉल दे देना। अरे और कितनी देर लगेगी? हाँ अभी चलता हूँ। भैया धनलक्ष्मी कैसी है? अच्छी है, बहुत खुश है वो। ओके भाई मैं फोन करता हूँ। मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे घर में किसी को नहीं मारोगे। मैं क्यों मारूंगा? वो क्या पहले क्या पहले प्रॉमिस करो ना, प्रॉमिस करो कि नहीं मारोगे। आहा, हाथ कितना सुंदर है, चॉकलेट देने वाले हाथ है ना, इसीलिए चॉकलेट जैसे हैं। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। फ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? ओह लवर है? लवर नहीं बॉयफ्रेंड। सुनिए ये बताइए, फ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर, इन तीनों में क्या फर्क है? फ्रेंड तो दोस्त है। हाँ बॉयफ्रेंड तो लड़का दोस्त। ओके लवर यानी प्रेमी। ये भी वही कह रही है, मुझे कोई भी अच्छी तरह से समझाएगा क्या? सर मैं आपको समझाता हूँ। तुम इसके बारे में जानते हो? जानता हूँ सर। बताओ। सर वो सिग्नल देखिए, उसमें रेड लाइट है, वो फ्रेंड है सर। ओके वो अपनी लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ। और येलो लाइट है ना सर। ओके वो चाहे तो लिमिट क्रॉस कर सकता है, नहीं तो लिमिट में ही रह सकता है। सो यह बॉयफ्रेंड है सर। वो ग्रीन लाइट है ना सर, उसकी कोई लिमिट नहीं है सर, कहीं भी जा सकते हो, उसको लवर कहते हैं। ओहो हो, कोई काम नहीं, वो है फ्रेंड। रेड सिग्नल, कहां कहां से उधार लेकर, आटा खरीद कर, शक्कर खरीद कर, चूल्हा जला के पसीना पसीना होकर हलवा बना कर रखे, और वो हलवा खाने वाला कोई और। ये अच्छा? क्या बात हुई? वो तुम ही हो? सचमुच आप ही हो सर? मेरा असली रूप क्या है ये लोग नहीं जानते हैं। अच्छा क्यों चक्कर चलाने की सोच रहा है? चल भाग यहाँ से। ओके ये एड्रेस करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सब किस्मत का खेल है।
परेशानी कर रहा है लड़के से। ये बचा नहीं रहा भाई, कैसे पानी उछल रहे उसपे, अरे बताइए कोई बीच में नहीं आ रहा तो बचाना चाहिए उसको, बुलाओ भाई। ए, आप लोग चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या कोई शूटिंग चल रही है? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे मार डालेंगे। मुझे क्या करना है? चलो। अरे हिम्मत कैसे हुई? निकाल। तुम मेरी औरत को हाथ लगाता है? ओह, तेरी औरत पे हाथ रखा तो तुझे गुस्सा आ गया है? और दूसरों को देख के मजा लेता है साले। छोड़ दो विवेक इसे, छोड़ दो। अरे पूरा था, अरे शांत हो जाओ विवेक, शांत हो जाओ, अरे जाने दो, मजा लेगा तू, छोड़ दो, मजा लेगा, शांत हो जाओ। अरे क्या बताओ बहन, आजकल तो खुलेआम छेड़खानी चलती है, औरतों के लिए तो कोई सेफ्टी ही नहीं है। थैंक्स। विवेक टेंशन मत लो, दूसरों की तरह तुम भी शांत रहा करो। दूसरों की तरह हाथ पे हाथ रखकर खड़े होकर मैं किसी को नहीं देख सकता। किसी भी लड़की के ऊपर अन्याय होते देख मैं चुप नहीं रह सकता। कितनी भी कोशिश करूं खुद को नहीं रोक सकता। भैया वो रहा, पकड़ो जैसा देखा उसी समय बोलना चाहिए था ना, मैंने भी अभी देखा था। तुम सारे सब भी कमरे में। किसी भी लड़की के ऊपर अन्याय होते देख मैं चुप नहीं रह सकता। किसकी एक्टिंग कर रही हो? गुल मोहम्मद की, जो बहुत ही बलवान था, वो कभी रोता नहीं था। सच में? हाँ, उसके 5 बच्चे थे, झांसी की रानी के साथ युद्ध में वो भी शामिल था। अगर कोई खतरा हो तो वो झांसी के रानी के सामने अपनी जान देने के लिए पहले ही खड़ा हो जाता था, इतना हिम्मत वाला था वो गुल मोहम्मद। रो मत, अब चुप हो जाओ, ठीक है? ये तो सबके बारे में जानता है। हाँ जानता है, रात को लड़की को डांटता है और सुबह सबके सामने प्यार का नाटक करता है, पर मेरी बात इस घर में सुनता ही कौन है? एक जरूरी काम है, सुभाष नगर तक जाना है। ओ फिर धना के ड्रामा में? मैं नहीं भूलूंगा, जरूर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। भैया आप सुभाष नगर तक मत जाइए, दुबई में विष्णु मारा गया है और वो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। मैंने सुना है वो सुभाष नगर की तरफ ही चक्कर लगा रहा है। किसी को भी आने दे,
खतरा उसके लिए है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, हम सुभाष नगर जरूर जाएंगे। हाँ बोलो। जल्दी आ जाओ। अरे खन्ना रो रही है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्यों रो रही हो? बोला तो आ रहा हूँ, मेरा आँखों नहीं। अब तो आ गया हूँ ना, तुम कौन हो ये पता है? गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद बहादुर है, वो रोता नहीं था, याद है ना? जिंदगी में अच्छा काम करने का एक ही बार मौका मिलता है, गलती करने का तो सारी जिंदगी मौका ही मौका है। अभी अच्छा काम करने का मौका मिला है, उसे अच्छे ढंग से करो धनलक्ष्मी। हैं? सीखना है जीत वही असली जो संघर्ष से जीता हो हमने, फिर कोई गम नहीं हारने का जीवन में। तू ही राजा है, तुझसे ही जीत है, तेरे बिन कुछ नहीं, तू ही सरकार है। दान ईश्वर का तू, खुशियाँ तू है देती, तेरे बिना क्या देखे सपना, नहीं कोई दूजा अपना। दिल को गवारा है, तेरा ही सहारा है, तू भी नहीं गैर सजनी, दिल के तू करीब है सजनी। हर खुशियों में है तू, हर जगह पे दिखती है तू, जाना ऐसे मुझको तड़पाना, तेरा रूप इसमें दिखता है, देख के दिल ये कहता है। वरदान ईश्वर का तू, खुशियाँ तू है देती, तेरे बिन क्या देखे सपना, नहीं अब कोई दूजा अपना। अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही जी रहे हैं, हमारा भी परिवार होता तो कितना अच्छा होता। मैंने सुना है तुम बहुत शराब पीते हो, कोई बात नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो जहर है वो बुरा है, पर जो हमारे मुंह से निकले वो अच्छा होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो और शराब धीरे धीरे कम कर दो।
सबकी चाहत है तू दिल से मगर मैं चाहूं देख के तुझको गम मिटे जो ध्यान ना दे उसे तो सजा हर बात याद उसको दिलाओ भूले नहीं बात छोटी सी गलती पे दी सजा वही अब है सबकी प्यारी सबके नजरों में बसी जिसने दुख ही दुख सहे जिसने दुख ही दुख सहे गिर के हारना सीखो नहीं हार के ही जीतना है जीत यही है असली दिल की भले कोई जले दिल से तेरे लिए हर चीज लाऊं चोरी से भी डर ना पाऊं हो गया क्या मुझको है यहाँ कब समझेगा दिल मेरा कैसे हो तुम मैं ठीक हूँ गांव में सब कैसे हैं सब बहुत अच्छे हैं एक्चुअली उस दिन मैं उस दिन को भूल गया पर तुम्हें अब तक याद है ये कौन है ये हमारे गांव में रहती हैं ये लड़की कौन है मेरी दोस्त है ठीक है मैं चलती हूँ ये लड़की धनलक्ष्मी है ना चलो कहाँ चलना है हाँ अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ जिमी जिमी ये कैसा जिमी विमी नाम है बिल्कुल कुत्ते जैसा अरे अच्छा नाम नहीं मिला अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जितेंद्र जैसा कहाँ है वो देखो हाय आओ प्रीति कम कम यही है वो तुम यही कमाल मिलके आती हूँ क्यों आजकल तू मुझसे बात नहीं करती मुझसे बात नहीं करेगी तेरे बाप ने पैसा मांगा मैंने नहीं दिया तो बात नहीं करेगी नहीं करेगी बात हाँ नहीं करेगी हाँ हाथ छोड़ो ये कौन है हाथ छोड़ो कहा ना कौन है रे तू इसका लवर मैं इससे शादी करने वाला हूँ प्रीति तुम बाहर जाओ ए क्या तू धमकी दे रहा है हाँ ए क्या करेगा तू मैंने बोला ना बाहर जाओ जाओ बाहर जाओ क्या करेगा हैं बोल भाई ये सिस्टर है मैं ब्रदर हूं गुड रिलेशनशिप ना चलता हूँ सिस्टर बहन जी आप इसको जानती हैं क्या नहीं देखा हेलो इस फोटो वाले को जानते हो क्या देख दिखता नहीं है क्या ये जो फोटो में है क्या तू इसे जानता है बताने से मुझे क्या फायदा नहीं बताएगा तो मरेगा बताया तो वो मरेगा तो फिर बताता हूँ शादी मंडप के लिए पैसा जमा कर दिया हाँ जमा कर दिया जल्दी बनाओ जल्दी तो कर रही हूँ इस घर में इतनी सजावट क्यों है ये बहुत अच्छा है ओह मंगनी होने वाली है क्या ये मेरी लवर है मैं इससे शादी करने वाला हूँ ए, 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 ए,
ए, तू इस तरह हरकत करेगी तो मैं घर से बाहर चला जाऊंगा। ए, तू रो क्यों रही है? मैंने किसी से भी ऐसी हरकत नहीं की, ये फर्स्ट टाइम है। अभी तुम घर से चले जाओगे तो सारे लोग मुझ पर शक करेंगे। मुझ पर घर वालों को बहुत भरोसा है, प्लीज। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। सच में? सच में। कभी कभी जुबान से नहीं, सिर्फ मन से ही बातें होती है। आजकल तो मैं सिर्फ मन से ही बातें करती हूँ। प्यारा प्यारा ये जहाँ है, कितनी प्यारी दुनिया है पिया हमारी, हजारों रंग होते हैं चाहत में, चारों तरफ प्यार ही प्यार है प्रिय, मौसम भी कितना प्यारा है। तू तो मेरी धड़कनों में है पिया, मेरे लिए है जानी जा, प्यारा प्यारा ये जहाँ है। कह रहा है मेरा दिल। तू तो मेरी धड़कनों में
है जानी जा प्यारा प्यारा ये जहां है। कितनी प्यारी दुनिया है पिया हमारी, हजारों रंग होते हैं चाहत में, चारों तरफ प्यार ही प्यार है प्रिय, मौसम भी कितना प्यारा है। ये लड़की का फोटो है ना? हाँ मुझे मैं नहीं दूंगी। गाँव जाना जरूरी है। दादाजी आप बोलिए ना। कम से कम मंगनी तक तो रुको। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। इसको एक जरूरी काम है। उसे बाद में करने को बोलिए ना। ये चाहती है कि तुम लड़के का फोटो देखा क्या? शादी के दिन मैं देख लूंगा, अब चलता हूँ, ठीक है? आइए ए ऑटो वापस लो। अंदर आइए आइए ना आइए बैठिए। हाँ हाँ अब मंगनी हो जाने के बाद ही जाना तुम। अब इसे मैं कैसे बताऊं कि मुझे जरूरी काम है। मुझे जरूरी काम है। प्रीति को अच्छा नहीं लगेगा। लाओ बैग इधर दो। यही वो मंदिर है। शेट, ताला बंद है। ए, घर क्यों बंद है? सब लोग मंदिर गए हैं। चलो रे मंदिर की तरफ। प्रीति बैग दो। दादाजी चलिए मेरे साथ। जाइए दादाजी। अब मैं क्या करूं? मैं अभी आता हूं, आप चलो। ये क्या है बेटी, ये कहां से आया? दामाद जी हाँ जल्दी आइए, वक्त हो गया है। आता हूं। कमाल हो गया, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा और तू यहां पर व्हाइट कपड़े में मंगनी के लिए तैयार खड़ा। अगर मैं नहीं देखता तो तू सुहागरात भी मना लेता है। भाई है पकड़ो। ए, सब लोग एक साथ आओगे तो मुश्किल हो जाएगी, फिर कभी खेलेंगे। जब जिंदा बचेगा तब ना। भाई वो कुछ प्लान कर रहा है। भैया वो देखिए क्या है। मैंने गलती से बियर पी लिया, बहुत तकलीफ हो रही है। बियर से अच्छी दारू ही है। शांत रहो यार, गुस्सा कंट्रोल हो सकता है पर पेशाब नहीं। Hey!
नहीं मार मत, मार मत। मुझे छोड़ दो। ए, तूने हम पर आज उठाया ना, अब हमारा बॉस आ रहा है देख। मैंने तेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया पता चल जाएगा, समझ गया ना तू? बलिया याद है ना तुम लोगों को? तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। छोड़ो इसे, ये हमारा दामाद है। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। हमारे घर के दामाद है, इसलिए मैंने, प्लीज मैंने तुम्हें कितना चाहा पता है, अपने दिल में छुपा के रखा, पता नहीं चलने दिया। मैंने सोचा था कि तुम मुझे अपना दिल दोगी, पर तुमने तो गोली मार दिया इस सख्त चेहरे पर, भावनाएं नहीं दिखती। ये बस मेरा प्रॉब्लम नहीं, 90% लड़कों का है। दिल की बात किसी को बता नहीं पाते। मुझे मारोगी क्या? एक बात हमेशा याद रखना, अगर लड़की रोती है तो उसके पीछे हजारों कारण होते हैं, मगर एक लड़का रोता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, वो है लड़की। तुम मुझे प्यार करती हो ये बताने के लिए तुमने मुझे किस दिया था, अब मैं किस देता हूं ये बताने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो...
अगर किस नहीं देता तो गन नहीं मिलती मुझे। सिगरेट है? सब यहाँ पे सही पता नहीं क्या करती है। बहुत अच्छा काम सर, वहाँ कुछ लोग और यहाँ पर भी कुछ लोग मरे हैं। एक ही आदमी ने सारे आदमियों को भगा भगा कर कत्ल किया है सर। तुमने देखा क्या? नहीं सर, पर देख के तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा सर क्या? जो मैं कह रहा हूँ वो करो तुम। बलिया के दिलावर गैंग और बनारस के नरसिंगा गैंग के बीच किसी जमीन को लेकर दुश्मनी थी, इसलिए ये आपस में हमेशा लड़ाई लड़ा करते थे। इन लोगों को आदमी मारना और न मारना। सर, इसमें कोई गवाह डालेंगे क्या सर? अच्छा, कांस्टेबल तू या मैं? मैं सर। और एसीपी? आप हैं सर। जो कहता हूँ सुनो और फाइल को क्लोज कर दो। ओके सर। यहाँ सर, ये किसकी केस फाइल बंद करने के लिए कह रहा है? नहीं मालूम सर। तूने ऐसा काम क्यों किया? मेरी पोती तुझ पर भरोसा करती है, तू इंसान है या जानवर? हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, करेक्ट है। हमारे गांव बलिया में सब मुझे कितनी इज्जत देते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा बनने के लिए मजबूर किया इन लोगों ने। बाजा बंद करो रे, चलो सब बैठो। हाँ भाई ठीक है। मुर्दे को नीचे रखो। मैंने कहा ना नीचे रखो, रखो बड़ा, नाराज नहीं होंगे। भाई 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 क्या रे, क्या हुआ? बोल भाई। अरे बोल रे भाई। ये देखो, दिखाओ तुम्हारा फोटो आ गया। अरे क्या लग रहा हूँ रे मैं भाई? वो बनारस के उदय भान ने, चंदौली के राजकुमार ने और पटना के से क्या फायदा? जो आपने किया वो किसी ने नहीं किया, आपने अपना नाम रोशन कर दिया। सारे इंडिया में आपका नाम रोशन होगा। आप गाड़ी वाले हैं सबको। भाई भाई आज तो पार्टी हो जाओ। खाओ खाओ भैया, अंधेरा होने वाला है, दादाजी का अंतिम संस्कार करना है। तू सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है रे, दूसरों के बारे में नहीं भैया। अरे अब मैं क्या बताऊँ, तेरे दुख में मैं शामिल हुआ था ना, उसी तरह तुझे मेरे सुख में शामिल होना होगा। जैसे मैं मरे हुए बुड्ढे के लिए नाच रहा था, उसी तरह तुझे मेरे लिए नाचना होगा। नहीं तो तुझे पाप लगेगा भैया। वो मुर्दे के लिए मैं नाच रहा था, पर मैं तो जिंदा हूँ, क्या तू मेरे लिए नहीं नाचेगा? मैं सिर्फ मुर्दे के लिए नाचता हूँ। ओ ऐसा क्या, ये बात है? विवेक इज हैप्पी। बुड्ढे को संभाल के ले चलो। ए उठ रे, उठ विवेक। धन लक्ष्मी तू? कोई और आने वाली है क्या? ए जल्दी उठ। अरे रुको, थोड़ी देर और सोने दो। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू यहाँ पर सो रहा है। मेरा इंतजार तू? अरे वाह। ए जल्दी उठ रे, उठ उठ रे बेवड़े साले। अरे धनलक्ष्मी, अरे भाई का फोटो अखबार में आया। देखा साहब को? ओह तू हमारे गांव का मुखिया है, फोटो छपे फोटो। इस गांव में मेरी भी थोड़ी इज्जत है। मेरे आसपास 5 लोग हैं, इनके बारे में बताना जरूरी है। ये है काशी, ये है आइस गंगा, ये है चीनू,
ये है अली और ये है धनलक्ष्मी। हम सभी बचपन से साथ साथ हैं। मुझसे वो 5 क्लास ज्यादा पढ़ी है। वो अपने बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचती है। गांव में किसी की भी तकलीफ हो ये सबसे पहले पहुंचती है। हमेशा अपनी ही बात की जिद करती है। अब मेरी बारी है। मेरा नाम विवेक है। पैसे कमाने के लिए पेड़ से ताड़ी उतारता हूँ और दारू बेचता हूँ, और अगर पैसा ज्यादा हो गया हो तो फिर पार्टी जब मेरी किस्मत खराब होती है तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है और मारती है। मेरा नाम पड़ गया है विवेक दारू वाला। मेरे अंदर एक अच्छा गुण है कि मैं बस अपने बारे में सोचता हूँ, किसी और के बारे में नहीं। धनलक्ष्मी, क्या बात है? क्या रे? ये लो, धनलक्ष्मी से ले लूंगा। चल अपना काम कर। ये हफ्ता ही है, लेने से मतलब कोई भी दे, ये लो। चर्बी ज्यादा हो गई क्या? एक बार अंदर किया था तुझे, दोबारा जाना है क्या? कितनी बार दारू के केस में अंदर जाऊंगा सोच रहा हूँ। इस बार किसी का कत्ल करके अंदर जाऊंगा, और वो तुम भी हो सकते हो। समझ गए ना? ये तो पागल है साहब, ये पकड़िए साहब। क्या हुआ है रे तुझे? धनलक्ष्मी, उसकी नियत में खोट है, मुझे ये पसंद नहीं। क्यों रे, गुस्सा दिखा रहा है? मारेगा तुझे ना? हे, तुझे मारा तो गुस्सा आया ना, उसी तरह मुझे भी आया था। ये नाराज हो गया क्यों? फिर वो तुझे छुएगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? हैं? चाची चाची जल्दी चलिए, बाबू अम्मा को मार रहे, जल्दी चलिए। तुम यहीं पर बैठो, मैं देखता हूँ। विवेक छोड़ दे। मैंने बोला ना तुम जाओ यहाँ से। धनलक्ष्मी को धक्का मारा तूने? क्या उसे अपनी औरत समझी थी? माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, माफ कर दो। ए, मारने का हो तो प्लान करके मारो। घर के अंदर मारेगा तो किसी को बाहर मालूम नहीं पड़ेगा। धनलक्ष्मी भी आके तुझे नहीं पूछेगी। तूने बाहर मारा इसलिए धनलक्ष्मी को आना पड़ा, और धनलक्ष्मी आई तो मुझे भी आना पड़ा। क्यों खामखा मुझे इसमें शामिल कर रहे हो? अब तुमने गलती की है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। दूसरों के झगड़े में तुझे पड़ने क्या जरूरत है? तू अपने काम से मतलब रखा कर। उसने क्यों मारा पता है? हाँ, दाल में नमक कम होगा या फिर शराब के लिए पैसे नहीं दिए होंगे। ये क्या कोई बड़ी बात है क्या? तुझे चुप रहना चाहिए ना। कोई अपनी औरत की पिटाई करे तो मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है बोल के सब चुप हो जाते हैं। ठीक है, कोई मदद करने के लिए नहीं आता, मदद करने वाला कोई नहीं है, ये उसकी बदकिस्मती है। ठीक है, आज जब मैं उसकी मदद करने के लिए गई तो ही तो उसे पता चला ना कि वो यूं ही अपनी पत्नी को मार नहीं सकता। हाँ, तू आज तो गई मदद करने के लिए, पर क्या वो रुकने वाला है? धनलक्ष्मी, तुम दारू बनाओ, मैं बेच के पैसे कमाऊं, हम ऐसे ही खुश रहेंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचो, ठीक उसी तरह से जैसे सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं। तेरी तरह सभी लोग अपना अपना काम देखने लगे थे, इसीलिए तो मेरे बाप ने मेरी माँ का जिंदा जला दिया था। ऐसी मौत भगवान करे किसी को भी ना आए। ए, कैसी बात कर रही है तू? तेरे लिए ही तो मैं हूँ ना, तू क्यों नहीं समझती है? मैं उसी के लिए जिंदा हूँ ये भी भूल जाती है। कहाँ गई मेरी मुर्गी? ये विवेक, मेरी मुर्गी को देखा क्या? नहीं देखा। चालू रह। वहाँ क्या हो रहा है? इन सबको सर्दी लग गई है, भाप ले रहे हैं। क्या? भाप ले रहे हैं? आवाज आई ना? जाओ जाओ, जाके मुर्गी ढूंढो, यहाँ क्यों खड़े हो? और गरम कर, और गरम कर, मजा आएगा खाने में। चोरी की मुर्गी, मजा आएगा भाई। बिना दारू के मुर्गी कुछ मजा नहीं आएगा, मैं लाऊं। जाओ जाओ जल्दी 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 भैया।
रुक रहे, मैं खाने के बाद बात करूंगा। खाने से पहले कर लेनी चाहिए। ठीक है, सुनाओ। भाई आप जानते हैं कौवा नाम का एक पक्षी होता है, थोड़ा भी चावल मिल जाता है ना तो वो सारे कौवों को बुला के सबको खिलाता है, और बाद में जो बचता है ना वो खुद खाता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ, पागल कुत्ता पागल कुत्ता, इसके बारे में जानते हो? जानता हूँ। उसको खाना मिल गया तो सारा खाना खुद खा लेगा ना। अगर उसे किसी ने खाते वक्त परेशान किया, परेशान करे तो इस हाथ को पकड़ के अपने मुंह की तरफ ले जाकर काट देगा। इतनी जोर से, और जोर से काटेगा, वो सिर्फ काटना ही जानता है। देखा कितना बड़ा दिल है पागल कुत्ते का, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। अब मैं खा लूं, पी के खाऊंगा भाई। प्योर है भाई। भाई हाँ, मैंने कहा था ना दारू के साथ मुर्गी का मजा आ जाएगा। पागल कुत्ता पागल कुत्ता, वो कुत्ता क्या करता है जानना है तो इससे पूछ ले। क्या करता है रे? जानना है क्या? हाथ ला, उंगली से लेकर अब इसको ऊपर ले। मुझे एक तो मुर्गी नहीं मिली, और ऊपर से तू क्वार्टर की बात कर रहा है। उसके लिए मैं तेरा हाथ काट रहा हूं। चल चल बैठ जा साले। ओफ, यहां पर क्या चल रहा है? जाने दो धना, ये सब पागल ऐसी हरकतें करते रहेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। धना, रजनीकांत की पिक्चर लगी है, सिनेमा चलोगी? धनलक्ष्मी, आना आना मेरे साथ। क्या पिक्चर देखने आई है? ए, जा जाकर सोडा लेके आ। साहब मैं लेके आऊं? रहने दो, मैं जाकर लाता हूं। हो गया तू धनलक्ष्मी, मेरे पास बैठ सकती है तू। साहब ये लो, इसे नहीं छोड़ेगा। मैं पहुंच गई हूँ साहब के पास, इसे पटाने की सोचता है। अच्छा चल यहाँ से, चल। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरे शो का मजा आया। अरे क्या है, पास पास में बैठ। मेरा सर दर्द कर रहा है, चल घर चलते हैं। तू कहाँ? मुझे बहुत जरूरी काम है, नशे में सर दर्द कर रहा है, जाके सो जा। ए, कौन हो तुम लोग वहाँ पे? हाँ? ए, अरे अगर पता चल गया ना तो किसी की खैर नहीं। भैया मुझे आपसे क्या है, एक जरूरी बात करनी है। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। कौन है वो? मेरे घर के पास ही रहती है, नाम सरोजा है उसका। वो लड़की, वो तो दिखने में खूबसूरत नहीं है, उसको कैसे? मैंने उसके दिल को देखकर प्यार किया। तू मार खाएगा, इसके बाप के पास पैसा ज्यादा, इसलिए ना। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इसलिए तूने उसे पकड़ के रखा है। समझ गया मैं सब। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मेरी शादी उसे करानी होगी। शादी करानी पड़ेगी? प्यार तू करे और शादी हम कराएं, हम खेती करें और फसल तू काटेगा, ये बात क्या हुई? अपने को बहुत होशियार समझता है। उसने तो प्यार कर लिया, अब हम उसकी शादी कराते हैं। तुम चुप रहो धनलक्ष्मी, ये शादी की बात कर रहा है, शादी में खर्चा होगा उसका क्या? जानती हूँ, सिर्फ पैसे की बात ना, मैं शादी करवा दूंगी, खुश है ना तू? तू गलत कर रही है धनलक्ष्मी, गलत कर रही है। हो जाएगा, तू यहाँ ऑटो चला के परिवार नहीं चला सकता, शहर चला जा, वहाँ कमा लेगा, ये ले खर्च के पैसे। शादी भी करा रही और पैसा भी दे रही है, क्या बात है। मैं अभी आता हूँ। धना, मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ धनलक्ष्मी के तू विवेक से प्यार करती। ए, शादी कर लिया तो बड़ा आदमी बन गया क्या? औरत आने के बाद तू मुझे दिमाग दे रहा है? मैं सब जानती हूँ, इसके बारे में किसी से मत बोलना, जा।
उसकी शादी में तूने जितना पैसा खर्चा किया, अगर वो मुझे दिया होता तो मैं पी के सो जाता, नहीं तो उस पुलिस वाले को हफ्ता तो दे देता। बेकार में तूने खर्च कर दिया। छे, 1250 रुपए खर्च करने के बाद भी उसने तेरा और मेरा पैर छू के आशीर्वाद नहीं लिया। ये सब सोच करके कष्ट हो रहा है। चुप हो जा। इस दुनिया में हमारे सिवा उसका कोई है क्या? उसने हमसे शादी कराने को कहा तो हम थोड़ी मना कर सकते हैं। तकलीफ कौन उठाएगा? इसमें तकलीफ क्या है? मेरे दिल में भी एक बात है, अगर तू बुरा ना माने तो बोलूं? बोलना। जाने देना। नहीं, बोलना। हाँ, वो ये है, अली की शादी में सारा खाना तूने ही खाया ना, इसलिए तू मोटी हो गई है अब। इतनी जल्दी कैसे हो गया? धना, साइकिल पर तेरे पीछे बैठने में बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बात बताना चाहता था, अब बताऊं क्या? तूने तो बोल दिया ना मैं मोटी हूँ। अरे वो बात नहीं है, ये दूसरी बात है। अली ने अपने प्यार का इजहार आराम से कर दिया, मगर मैं अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। बताना। ठीक है, साइकिल रोक। अली को लड़की पसंद थी तो तूने 1250 रुपया खर्चा करके उन दोनों की शादी कराई। उसी तरह कल मैंने एक लड़की को पसंद किया तो 250 रुपया ज्यादा डालकर 1500 रुपए में पूरे गांव के सामने धूमधाम से मेरी शादी करवाओगी क्या? मुझे तो मैं जा रहा हूँ। साइकिल चला, साइकिल। मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। तुझे बताना जरूरी है क्या? आज दारू खत्म हो गई, जाओ। विवेक कहाँ है? क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ धना। मैं भी खुश हूँ। अच्छा, वो तो तेरे सजने के ढंग से मैं समझ गया हूँ। ये बताओ बात क्या है? पहले तू बताना। मुझे शर्म आ रही है। वो भावना है ना? भावना कौन है? कौन भावना? तू भूल गई क्या बचपन में मेरे साथ हमेशा मेरे साथ झगड़ा करती थी? वही वो भावना है। अभी वो दिल्ली में MCA या FIR जो भी कुछ भी पढ़ रही हो, वो कितनी खूबसूरत है पता है? पढ़ने से खूबसूरती बढ़ती है शायद। तुझे भी पढ़ना चाहिए था। अगर तूने पढ़ लिया होता तो देसी दारू छोड़कर अंग्रेजी ब्रांडी विस्की बेचती। ए, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं रे, बात यह है कि मैंने ही तुझे पैसे दे देकर तेरी जिंदगी खराब कर दी है। अगर तू पढ़ लिख लिया होता ना तो तू भी बिल्कुल वैसा ही होता। अरे 10वीं तक पढ़ी हो और क्या? तो फिर तूने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? मुझे 10वीं में ही सब पता चल गया। जिसको दुनिया के बारे में मालूम नहीं हो वही लोग पढ़ते हैं। अरे वो भावना है ना। हीरो समझ रहा है क्या? उस पे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? क्या मुझे प्यार हो गया है उससे? सचमुच में लगता है प्यार है। हा?
था ना, मैं जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ और तुमने जाके साड़ी बदल ली, अच्छी तो थी वो। ठीक है तू बोल। नहीं तू बोल। वो प्यार के बारे में? मैं नहीं जानती। तू कैसे जानेगी, कभी प्यार किया होता तब तो जानती। दारू बेचने वाली से प्यार के बारे में पूछा, मैं ही पागल हूँ। मगर धनलक्ष्मी, उस भावना को और खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा ये बता, आज तू बहुत खुश थी, क्या बात है? बाद में बताना। विवेक अभी चला। चला जाता हूँ मैं किसी की धुन में। मुझे आ रही है। अच्छा तो ए पीछे पीछे। भावना तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुमसे कौन प्यार करता है? कॉलेज में किसी से प्यार करती हो क्या? छी, मैं नहीं करती। तो तुम्हारे दिल में जगह है ना मुझसे, तो प्यार कर सकती हो। दिल में जगह सिर्फ प्यार करने के लिए होती है, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? क्या रे, वो किस तरह की बात कर रही? ऐसा क्या गलत था उसने? तूने ही तो बताया वो प्यार करती है। जो प्यार करते हैं वही से बात करते हैं। इंग्लिश में बात की उसने, इंग्लिश ने। क्या वो तुझे पसंद करती है? मैंने इसको क्या कहा था, क्या कहा था मुझे कुछ पता नहीं, कंफ्यूजन है। ठीक है बाद में देखते हैं। तूने मुझ पर भरोसा किया ना, अपने प्यार को हासिल करना है ना तुझे, इसमें तेरी मदद की जरूरत है। इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। आ जाटा, चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रहा है रे? पैसा भैया, वो पैसे में अबे किस्त में सामान लेता है, जा जा जाके पैसे लेके आ। धना, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है?
बताइए कितने की है? 80 रुपया। क्या इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है? कह देना, मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। अरे विवेक, क्या कहा धना से? बोल, उसे मत मार। क्या कहा? आप जाओ। अरे सुन विवेक, विवेक फिर कभी धना का नाम जुबान पर लाया तो मार दूंगा तुझे। भावना, तेरे दिल में क्या है मुझे नहीं बताएगी? किसके बारे में? वही प्यार के बारे में। विवेक, क्या रे, क्या हुआ? वो पुलिस वाला शंकर को मार रहा था। धनलक्ष्मी ने उसे बचाने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने उसे जेल में डाल दिया। क्या रे, तूने धनलक्ष्मी को पकड़ा? कैसे छुआ तूने उसे साले? अबे क्या करा? अरे पकड़ तो कोई। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों मारा उसे? मेरी धन लक्ष्मी को मारेगा? फिर तुझे दिखाता हूँ, चल अंदर। पुलिस का हाथ उठाया तूने? पुलिस को मारा है तुमने? और क्या, धनलक्ष्मी को पकड़ेगा तो मैं चुप रहूंगा क्या? पुलिस ने तुम्हें मारा तो? कोई बात नहीं, धनलक्ष्मी के लिए मेरी जान जाए तो क्या हुआ। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे प्यार करती हो? प्यार? तुम उससे प्यार करता है और उसके लिए जान देने को तैयार है? तेरा और उसका क्या संबंध है? मैं तुझसे जो पूछ रही हूँ उसी का जवाब दे। भावना ने क्या पूछा पता है? क्या पूछा उसने? धन लक्ष्मी करते रहते हो, उसका और तुम्हारा क्या संबंध है, यही सवाल पूछा है उसने मुझे। तूने क्या कहा? ये सब छोड़ धना। तूने क्या कहा, बोल तो सही। मैंने कहा ना छोड़ो। नहीं बताएगा? हे, मेरा कान छोड़, बता तो रहा हूँ मैं। नहीं बताएगा? ये लोग हमारे बारे में नहीं जानते, ये तो अभी आए हैं। हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है ना। बहुत पुराना है ना। धनलक्ष्मी, तेरे बाप ने तेरी माँ को जिंदा जला दिया, अब तो अनाथ हो गई है। बेचारा विवेक, तेरी माँ उसे खाना खिलाती थी, अब उसे खाना भी खिलाने वाला कोई नहीं बचा। तेरा नाम क्या है? धनलक्ष्मी। मेरा पूछना वो, तेरा जवाब देना। मेरा पूछना वो, तेरा जवाब देना। माफ कर दे, सॉरी धना। चल कोई बात नहीं, मैंने माफ किया। संग संग चलना अपना कितना याद आता है,
तेरा वो साथ देना कैसे भूल सकता हूँ, मुझको बचाना याद आता है, खींच के ले जाना याद आता है, तू मेरी रग रग में रहती है तब से से मेरा बचना कैसे भुला सकता, मौत से मेरा बचना कैसे भुला सकता, कितने अच्छे दिन थे वो याद आ रहे हैं सचमुच आज हमें, मैंने तुझे डांटा मुझे माफ कर दे, सॉरी धना। कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया। जाने जा तेरा हंसना कितना है प्यारा, संग संग अपना चलना झील का किनारा, तेरे पीछे चलना अच्छा लगता, अच्छा लगता है जन्मों जन्मों ऐसे ही प्यार करे। धनलक्ष्मी, पुलिस आया था, मैंने उसे हफ्ता देने के लिए पैसा रखा था पर वहाँ पैसा नहीं मिला और वो पुलिस वाला सब तोड़ फोड़ के चला गया। धना वो तो पैसा मैं लेके गया था, मैंने गलत किया धना, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, तूने तो लिया है ना। सुख दुख संग सहेंगे कभी भी ना उफ करेंगे, सुख दुख संग सहेंगे कभी भी ना उफ करेंगे, सुख दुख संग सहेंगे कभी भी ना उफ करेंगे, सुख दुख संग सहेंगे कभी भी ना उफ करेंगे। जो मैंने बताया था वो यही गांव है। इस गांव में हमारी जान पहचान का कोई है क्या? हमारे बिजनेस में जान पहचान मुश्किल पैदा कर सकती है, इसीलिए तो हम लोग इस गांव में आए हैं। धना वो क्यों पीछा कर रहा है, क्या उसे बात समझ में नहीं आई? उसकी आदत ही ऐसी है, उसे आने दे। तू क्यों तेरा पीछा कर रहा है, मैं तेरी वजह से चुप हूँ, तू आगे चल। तू बात नहीं मानेगा क्या? बीच में आएगा तू? विवेक, मेरी बात सुन, पागल हो गया क्या? छोड़, देख लूंगा तुझे मैं। जा रे जा, मैं यहाँ का किंग हूँ, जो भी आएगा देख लूंगा। जा। अगर ये अपने हाथ लग गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों तू ऐसा कर रहा है? कभी तो मेरी बात माना कर, अपनी आदत बदल। मैं क्यों अपनी आदत बदल दूं? धनलक्ष्मी, किसी के लिए अपनी आदत नहीं बदलूंगा। तू मेरे लिए भी आदत नहीं बदल सकता। आप मुझे क्या करना है धनलक्ष्मी, बोल। तो दूसरा कोई धंधा करना। हाँ, पर उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझे दूंगी। नहीं धनलक्ष्मी, तू अपने किराने की दुकान का पैसा मुझे क्यों दे रही है? मुझे बस तेरी खुशी चाहिए, दुकान की कोई जरूरत नहीं। मैं भी पागल हूँ, मैं सब समझ गया। Cheers! Cheers! हम लोगों ने जो स्कीम बनाई है वो सुपर स्कीम है। क्या स्कीम है? हमारी स्कीम के लिए इस गांव में इससे अच्छा बंदा और कोई नहीं मिलने वाला है। इसकी बात कर रहे थे, इसको आप क्या आम आदमी समझते हो? ये किंग है, यहाँ का किंग है ये। भाई कुछ बोलो। अब मैं बताता हूँ,
तुझे अपने नीचे पांच लोगों को जमा करना पड़ेगा। वो पांच लोग भी अपने नीचे पांच पांच आदमी जमा करेंगे। इसी तरह सारे गांव को जमा करना पड़ेगा। अरे वो क्या स्कीम है? डायमंड हार्वेस्ट स्कीम। वो कुछ भी रहे, अगर मैं इसमें शामिल हो गया तो पूरा गांव शामिल समझो, पर इससे मेरा क्या फायदा? क्या कह रहा है यार, कैसी बात कर रहा है हाँ? ये लो देख लो भाई, डबल डबल अमाउंट मिलेगा। ओके, क्या कह रहे हो? हम भी खुश। डबल अमाउंट? अब तो फिर मैं तैयार हूँ। चीयर्स। मैं आऊंगा। भाई मेरा कमीशन मिल गया। शुरुआत की, तुझे क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपके ही भरोसे हूँ। हमारे पीछे विवेक है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हो गया है, आओ। जाओ, जाओ। आपका पैसा डबल होगा, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा रखो, जाओ। चलो चलो। तू कितना जमा करेगी? पूरा पैसा जमा करूंगी। मेरा कमीशन तो दूं। ये पकड़ तेरा कमीशन। तुमने तो कहा था डबल अमाउंट है। ये लो डबल। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ साहब। अच्छा साहब लोग, चलता हूँ। ठीक है साहब लोग, जा जा। हमारा अगला प्लान क्या है? भाई आप दारू क्यों नहीं पी रहे हो? बेवकूफ, मैंने धनलक्ष्मी को वचन दिया दारू नहीं पीऊंगा, इसे छुपा के रख, बाद में देखेंगे। लगता है भावना की मंगनी होने वाली है। ए, दारू ला रे भाई। धनलक्ष्मी को अगर पता ना। गुस्सा मत दिला। ए, भावना बाहर आ, कहाँ है तू? आ जल्दी बाहर आ। सुनो विवेक, विवेक मेरी बात तो सुनो। ए, चला बाहर आ। रुको, मैं बात करती हूँ। अगर मैं तुझे पसंद नहीं था तो तुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था ना? मैंने कभी तुम्हें पसंद ही नहीं किया। तेरे पीछे पागलों जैसा घूमता था मैं, तेरे लिए खुद को मैंने बदला। तू मेरे लिए नहीं बदला है, तुझे तो धनलक्ष्मी ने कहा था, इसलिए तुमने अपने आप को बदला है। हाँ, धनलक्ष्मी ने कहा इसीलिए मैंने बदला, मगर उसने तेरे लिए ही तो कहा था। वो बोलने वाली कौन होती है? कल हमारी शादी होने के बाद वो अपने साथ एक रात सोने के लिए बोले तो तू जाके सो जाएगा ना? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तू कुछ भी बोल चलेगा, पर अगर धनलक्ष्मी के बारे में गलत बात किया तो जान से मार दूंगा मैं तुझे। चलो। भावना, तू यहां क्यों आई है? वो बहुत अच्छा लड़का है, वो अकेला है, उसका कोई नहीं है, इसीलिए उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, मगर उसके बारे में मुझे कुछ मत बोलो। आज तो तुम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हो, अगर कल को उसे शुभ लक्ष्मी या महालक्ष्मी मिल गई तो उसके पीछे भी वो इसी तरह जाएगा। तू मुझे कुछ भी बोल सकती, कोई बात नहीं, पर विवेक को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो राजा है राजा। तूने पढ़ लिख लिया तो अपने आप को परी समझ रहे क्या? मैंने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई, इसलिए वो तेरे पीछे घूम रहा है। तेरी शादी होने से पहले उसकी शादी होगी। ए, चल रहे। हाँ,
क्या है रे? बा, 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 बा। विवेक कहाँ है? चाची। अरे बड़ा मैं तो आगे में बच्चे तो क्या हो गया? मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपनी धनलक्ष्मी को महारानी की तरह रखूंगा। साहब कहाँ लेकर आए साहब? तू क्यों डर रही है धनलक्ष्मी? मैं हूं ना, गांव में बाहर वाला आकर हमें बेवकूफ बनाकर जाएगा क्या? यही लोग हैं साहब। कौन है लोग? 17 लोग मर गए तुम लोगों की वजह से, पता है? पैसे के लिए तुम लोगों ने गांव वालों की जान ली है, इनको पकड़ लो साहब। अरे देखने क्या बोल रहा है? ये कह रहा है धनलक्ष्मी ने तुझे बुलाया है। रुको रुको। मेरा विवेक आएगा, विवेक जरूर आएगा, तुम लोग मेरे पास मत आना। बहुत सारे तो मार डालूंगी। क्या हुआ भाई, आप नहीं जा रहे हो क्या? दाना दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाती, मैं मना करता हूँ फिर भी मेरी बात नहीं मानती। मैं उसका साथ देता हूँ इसीलिए वो किसी से भी भिड़ जाती है, समझती नहीं है। इस बार मैं नहीं जाऊँगा, उसको इस बार सबक सीखना ही पड़ेगा, समझ गया ना? विवेक जरूर आएगा, अगर वो आ गया तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। विवेक, हे विवेक, उठ। अरे विवेक उठ, धनलक्ष्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या हुआ धनलक्ष्मी? क्या हुआ धनलक्ष्मी? विवेक, हमारे गांव के 17 लोग मर गए, बहुत सारे बच्चे तेरी मेरी तरह हलात हो गए। मैं न्याय मांगने गई तो उन लोगों ने मेरे साथ। क्यों गई थी धनलक्ष्मी? हमें तो पैसा मिल गया था ना, हम तो खुश रह सकते थे। कोई जिए या मरे उससे हमें क्या लेना देना धनलक्ष्मी? जो मरे उसमें तेरे भाई बहन थे क्या? फिर तुझे क्या पड़ी थी वहां जाने की धनलक्ष्मी? क्या हाल कर दिया तूने, क्या हाल कर लिया तूने अपना धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी,
क्या हुआ था लक्ष्मी? वो पुलिस वाला मुझे गालियां दे रहा था, उस समय भी मुझे तकलीफ नहीं हुई थी। पांच लोगों ने मेरी इज्जत लूटी, उस वक्त पे भी तकलीफ नहीं हुई। तो बोल रहा है कि हमें क्या करना, ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या था लक्ष्मी, वहां जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ए, कौन है रे वो पांच लोग? कौन है वो लोग बता मुझे, उधर देखो। कौन है वो लोग? ए धनलक्ष्मी, ए धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, डॉक्टर साहब मुझे, डॉक्टर साहब सॉरी, अभी इसका बचाव मुश्किल है। ए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे, जिसे कैसे भी बचाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, पूछा था ना कि मरने वालों में मेरा अपना कोई क्या, तो मैं मरने वाली हूँ, तो मैं तुम्हारी कौन हूँ? कौन हूँ मैं तुम्हारी, बोलो? मुझे माफ कर देना धनलक्ष्मी। कोई बात नहीं है विवेक, तूने एक तो किया ना। कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया। कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया। क्या हो गया भाई? चलना अपना कितना याद आता है, तेरा वो साथ देना, मुझे अकेला छोड़ गई, मुझको बचाना याद आता है, खींच के ले जाना याद आता है, तू मेरी रग रग में रहती है तब से छाना, मौत से मेरा बचना कैसे भुला सकता, मौत से मेरा बचना कैसे भुला सकता। कितने अच्छे दिन थे वो याद आ रहे हैं सचमुच आज हमें, अरे अनाथ तू खुश है ना? वो तुझे ना मिली ना मुझे मिली, अब खुश है ना? साले छोड़ मुझे, तू मेरी धनलक्ष्मी के बारे में बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या लगती है तेरी? छोड़ दे, धनलक्ष्मी के बारे में बोला तू, मुझे मारता मैं जिस धनलक्ष्मी को जानता था, पता नहीं था कि उसके अंदर भी एक और धनलक्ष्मी है। इतने पास रहकर भी क्यों,
मुझे उसके प्यार के बारे में मालूम नहीं पड़ा। क्यों मुझे ये बात किसी और से मालूम पड़ी? मैंने सोचा मेरी जिंदगी चली गई। उस वक्त उस लड़के ने आकर मुझे सारी कहानी बताई। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में, ये लो। काशी छोड़ से, मेरी बात मान, छोड़ से काशी, काशी छोड़ दे, काशी। उधर से आने के बाद दुबई जाने की कोशिश की और किसी तरह दुबई पहुंचकर विष्णु को मार डाला। दिलावर नारायण को और रामनाथ को मैंने यहां मार दिया। अभी सिर्फ बच गया है रघुपति, उसकी भी मौत मेरे हाथों ही होगी। जितने भी गांव वाले मरे हैं उन सब का बदला मैं लूंगा। चलो जो इस पेपर में लिखा है उसे अच्छी तरह पढ़ो। सालों पहले जब मैं मुंबई से ट्रेन से आ रहा था तब ट्रेन में 5 लोगों ने एक लड़की की रेप करने की कोशिश की थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो एक गुंडे ने मुझे यह कहकर प्लेटफार्म पर धक्का मार दिया कि तू हमारे बीच में क्यों पड़ रहा है। उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया और बाद में मुझे न्यूज़पेपर से पता चला कि वो लड़की वही थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी। वही पेपर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं कुंवारा होकर अपने आप को सजा दे रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में बदला लेने की बात नहीं आई। मैं जहाँ रुका था तुमने वहीं से शुरुआत की है बेटा। इंसानियत का हमेशा साथ देना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए। मुझे भी गुस्सा आ रहा था लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका। आज तुमने जो कुछ किया है मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। वेरी गुड। क्यों रे, सब लोगों को मार कर गया तू? यहाँ आराम से रह रहा है? वो लोग आपसी लड़ाई में मारे गए, एविडेंस यही बनाया ना? तुझे मैं थैंक्स कहने आया हूँ, थैंक्स। मुझे किस लिए सर थैंक्स? माधवी आप मुझे दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठा दीजिए, मैं अपनी प्रेमी से ही शादी करूंगी। माधवी? हाँ। तुमने उस समय अगर इसका साथ नहीं दिया होता तो आज ये जिंदा ना रहती। मैंने उन्हें मारने की कोशिश की मगर तुमने पहले उसे मार दिया। मैं सब देख लूंगा, कानून को मैं देख लूंगा। माधवी चलो। चलिए। मैंने अपने पार्टनर्स को खत्म करने की कोशिश की पर एक काम विवेक ने ही कर दिया। अब हमने विवेक को खत्म कर दिया तो उनका पैसा हमारे हाथों में आने में देर नहीं लगेगी। उस खुशी में चलो जश्न हो जाए। जबानी का मजा जरा पास आ देख जलवा, ले ले तू जबानी का मजा जरा पास आ देख जलवा।
दीवानी का मजा, जरा पास आ देख जलवा, ले ले तू जवानी का मजा, जरा पास आ देख जलवा, ले ले तू जवानी का मजा, जरा पास आ देख जलवा, जरा चख ले जवानी का नशा, जरा देख जवानी का नशा। हमारे आने तक तुम यहीं रुको, ठीक है ना? ए, चलो यहीं है। तू मुझे ढूंढने जरूर आएगा, मैं पहले से ही जानता था। मुझे कैसे पता चला? ये सोच रहे हो? ये देखो, उस समय उसका रेप करके उसे मारते समय उसके ब्लाउज से ये मिला। वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? धनलक्ष्मी मर गई? अरे तूने मुझे बताया नहीं? अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी मर गई? अरे क्यों नहीं बताया? बोलना। अरे मर गई वो, मर गई रे। इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। क्यों किया ऐसा तुम लोगों ने? क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों किया रे ऐसा? भाई धनलक्ष्मी के साथ ऐसा क्यों किया रे तुम लोगों ने? क्यों किया रे ऐसा मेरी धनलक्ष्मी के साथ? Ah!
डाली से फूल तोड़ने पर भी धना को दर्द होता था और उसे तुम लोगों ने मार दिया। कितना दर्द होता है यह मालूम है? क्यों ऐसा किया? बोल क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? बोल। वो अनाथ थी, कोई बीच में नहीं आएगा, ये सोचकर हम लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। अरे धना, दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाती रहती है, मैं मना करता हूँ, कोई भी मेरी बात नहीं मानती, मैं उसका साथ देता हूँ, इसीलिए वो किसी से भी भिड़ जाती है। इस बार मैं नहीं जाऊंगा, उसको इसका सबक सीखना पड़ेगा। क्यों ऐसी गलती की मैंने? क्यों किया ऐसा मैंने? तेरी तरह सभी लोग अपना अपना काम देखने लगे थे, इसीलिए तो मेरे बाप ने मेरी माँ का जिंदा जला दिया था। ऐसी मौत भगवान करे किसी को भी ना आए। तो सही कहती थी दाना, मैंने ही गलती की, मेरी ही गलती है, मैं क्यों नहीं आया? मैं क्यों नहीं आया? तूने दाना को मारा। तुझे कहा था ना रुकने के लिए? मैं वहीं पर रुका था, पर वहां एक प्रेग्नेंट औरत तड़प रही थी। मुझे क्या पड़ी ऐसा सोच के मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं उसे भर्ती कराने के लिए हॉस्पिटल ले आया। ये गलत है क्या सर? बताइए सर। लड़की हुई है, कोई अच्छा नाम बताइए। हेलो, मैं धनलक्ष्मी बोल रही हूँ, कहाँ हो तुम? रात को आना, टीवी में सलमान खान की फिल्म आने वाली है। हाँ मैं आता हूँ। धनलक्ष्मी कैसा रहेगा? धनलक्ष्मी रख दीजिए। ठीक है,